हाय गाइस, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। आज की ये वीडियो कमेंट सीरीज की सेकंड पार्ट है। इससे पहले सब्सक्राइबर्स कमेंट्स की फर्स्ट वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। इन वीडियोस में हम सब्सक्राइबर्स के कमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। और आज की वीडियो की खास बात यह है कि आज की वीडियो में सब्सक्राइबर्स वियरों द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कॉमेंट्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया है, जो आपके लिए भी काफी यूजफुल होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि आपके वह क्वेश्चंस क्लियर हो सकें जो काफी व्यूअर सब्सक्राइबर्स ने व्हाट्सएप मैसेज पर पूछा है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कॉमेंट आया है एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2017 की वीडियोस पर। संतोष सिंह ने यह कॉमेंट किया है। इन्होंने पूछा है, सर फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कोई तो बताओ। तो जैसे कि आपको पता है, एनटीपीसी का जो फॉर्म है वह वेबसाइट पर अवेलेबल है। यदि वेबसाइट पर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस फॉर्म की लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट कॉमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉमेंट यहाँ पर निकल के आ रहा है रविंद्र कुमार का। तो रविंद्र कुमार ने इसरो फिटर टेक्नीशियन भी क्वेश्चन पेपर जो मैं वीडियोस अपलोड किया हूँ, उस वीडियोस पर रविंद्र कुमार ने कमेंट किया है, सर आपकी निमी की बुक किस राइटर की है। तो मैं आपको बता दूं, मैं निमी एक पर्टिकुलर बुक को यूज नहीं करता हूँ। मेरे पास काफी सारी बुक्स हैं, कुछ डिप्लोमा की बुक्स हैं, उन बुक से भी मैं आपको स्टडी कराता हूँ। जो क्वेश्चन कंफ्यूजन में रहता है, जो आईटीआई की बुक्स में नहीं दिया रहता, उनको डिप्लोमा की बुक से क्लियर करके मैं आपको स्टडी कराता हूँ। तो यहाँ पर जो निमी की बुक की यदि आप बात कर रहे हो, निमी की बुक आईटीआई के लिए काफी अच्छी बुक है डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निमी की बुक चेन्नई से प्रकाशित बुक रहती है, जो कि इसका राइटर तो नहीं, गवर्नमेंट बुक है जो चेन्नई से प्रकाशित है। ईयरली बुक मेरे पास है, अभी तो सेमेस्टर वाइज बुक आने लगी है। यह आपको ऑनलाइन मिल जाएगी यदि आप सर्च मारोगे निमी करके, तो आसानी से अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसको खरीद सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। तो यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट आ रहा है लक्की चौहान का। तो लक्की चौहान ने इसरो फिटर टेक्नीशियन भी क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर उस वीडियो पर कमेंट किया है, सर इसमें ओनली टेक्निकल ही आता है या फिर नॉन टेक भी आता है, थोड़ा बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ लक्की चौहान जी, जो इसरो का जो वैकेंसी ओपन हुई है उसमें आपका टेक्निकल भी रहता है, नॉन टेक्निकल भी रहता है। क्योंकि इसमें टेक्निकल अधिक है और साइंस के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और टेक्निकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, 80% लगभग टेक्निकल क्वेश्चंस है। जैसे कि अभी का जो एग्जाम पेपर हुआ है, वह भी मैंने सॉल्व करके डाल दिया है। जो 3 दिसंबर को आपका एग्जाम पेपर हुआ था फिटर टेक्नीशियन बी पोस्ट का, तो उस एग्जाम पेपर को आप देखिए, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। और अभी जो 10 दिसंबर को क्वेश्चन पेपर हुआ था फिटर टेक्नीशियन बी का, उसका भी फर्स्ट पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, और सेकंड पार्ट यानी कम्प्लीटली पेपर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहां से आप उन क्वेश्चंस पेपर को देख के तैयारी करिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा और आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो सकेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कमेंट किसका है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट निकल के आ रहा है आईटी फिटर थ्योरी क्वेश्चन लिमिट फिट एंड टॉलरेंस की। इसमें मैंने सिस्टम्स के बारे में क्लियर किया था। तो सचिन हरिहर बोल रहे हैं, वेरी गुड सर। तो थैंक यू सो मच सचिन भाई, आपने वीडियोज को पसंद किया। चलिए नेक्स्ट कॉमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉमेंट है एनटीपीसी सिलेबस 2017 से। तो यहाँ पर किरण राउत जी पूछ रहे हैं, सर क्या आप फिटर का कोई भी एनटीपीसी का एग्जाम पेपर अपलोड्स करोगे तो हमें कुछ नॉलेज आ जाएगा एग्जाम के बारे में। तो करण राउत जी, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास फिलहाल अभी एनटीपीसी का कोई भी प्रीवियस पेपर अवेलेबल नहीं है। यदि आप देख रहे हो आपके पास कोई भी एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर अपलोड है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से मेरे को सेंड कर सकते हो। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करूंगा, और मैं भी कोशिश करूंगा एनटीपीसी का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे को कहीं से मिले तो मैं आपको डिस्कस करा सकूंगा। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट कमेंट को। तो यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट निकल के आ रहा है फिटर टर्नर मशीनिस्ट एंड ऑल मैकेनिकल ट्रेड चैप्टर वाइज वीडियो जो मैंने अपलोड की थी। यह कमेंट है रंजीत कुमार का। तो रंजीत कुमार जी बोल रहे हैं, सर मैं फिटर का स्टूडेंट हूँ, सो फिटर ट्रेड का वीडियो बनाइए सर हिंदी लैंग्वेज में प्लीज सर, ऑर्डनेस फैक्ट्री का एग्जाम का तैयारी करना चाहता हूँ। तो रंजीत सिंह, मैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट तीनों सेम ट्रेड है। आप ये ना सोचें कि फिटर की तैयारी या टर्नर की या मशीनिस्ट की, लगभग ये सेम ट्रेड है। मैकेनिकल मैं अपने चैनल पर तैयारी कराता हूँ, और बात रही तो मैं जो क्वेश्चन पेपर अपलोड कराता हूँ
वह क्वेश्चन पेपर ये ना सोचे इसरो का क्वेश्चन पेपर है तो ऑडनेस के लिए नहीं रहेगा, ऑडनेस का है तो इसरो के क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन्हीं से वही क्वेश्चंस लिए जाते हैं, चाहे आपका वह इसरो का क्वेश्चन पेपर हो या फिर आपका ऑर्डनेस का हो, डीआरडीओ का हो, बीएचईएल का हो, गैल का हो, बेल का हो, सेल का हो, कोई भी एग्जाम्स आप दोगे लगभग लगभग आपको। तो देखिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, तो नेक्स्ट कमेंट यहां पर निकल के आ रहा है इसरो फिटर टेक्नीशियन भी क्वेश्चन पेपर का वीडियोस पर, तो यहां पर रविंद्र कुमार ने कमेंट किया है 61 का बी है बिकॉज इसका यूज छोटे साइज के पीस पकड़ने में होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली कमेंट सीरीज की वीडियोस में बताया, जो भी मेरी वीडियोस पर कमेंट आएंगे उनका जवाब मेरी ऑडियंस देगी, मेरे सब्सक्राइबर देंगे, मेरे दोस्त दोगे, तो आप मेरे दोस्तों सब्सक्राइबर हो, इस क्वेश्चंस का जवाब जरूर दीजिए रविंद्र कुमार भाई को, जिससे कि क्लियर हो सके और मेरा भी क्लियर हो सके यह क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 61 का बी आंसर बताया बट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं यह क्वेश्चन कौन, तो चलिए देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे कि 61 नंबर का क्वेश्चन है, टूल मेकर वाइस पकड़ने के लिए उपयोगित है, टूल मेकर वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, ए ऑप्शन यहां पे है फाइलिंग एवं मशीनिंग के लिए कार्य टुकड़े पेचीदा हेतु, यानी इंडिकेट वर्क पीस फॉर फाइलिंग एंड मशीनिंग। सेकंड ऑप्शन है पिन नीडल जैसे छोटे व्यास कार्य के लिए, स्मॉल डायमीटर जॉब्स सच एज पिन्स नीडल्स ईटीसी। सी ऑप्शन है हैवियर एंड रफर टाइप्स ऑफ, यानी भारी एवं रफ का रफ आकार कार्य के लिए, और डी ऑप्शन है ड्रिलिंग के लिए पतली प्लेट, थीन प्लेट्स फॉर ड्रिलिंग। तो आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जिससे सबको पता लग सके, क्योंकि मैंने बी ऑप्शन इसका करेक्ट बताया है, तो आप इसका बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जिससे मेरे को और मेरे सब्सक्राइबर व्यूअरों को पता लग सके। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कमेंट, यह कमेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज द्वारा यह क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया, तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यह लगा, इसलिए मैंने इसे कमेंट सीरीज में इंक्लूड किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं जो कि बिल्ट अप एज से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है व्हाट इज अ बिल्ट अप एज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्निंग टूल, बिल्ट अप एज क्या है टर्निंग टूल में, तो ए ऑप्शन दे रहा है जॉब मटेरियल इम्बाइंडेड ऑन टूल एज, सेकेंड ऑप्शन है अ कार्बाइड टिप सोल्डर्ड ऑन अ टूल एज, थर्ड ऑप्शन है अ मेथड ऑफ रिकंडीशनिंग वर्न आउट कटिंग एज, डी ऑप्शन है अ टूल कटिंग एज विथ अ क्रेटर ऑन इट। तो यहाँ पर कटिंग टूल में दो समस्याएं अधिकतर देखने को आती हैं यदि जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हो, एक है बिल्ट अप एज और सेकंड है क्रेटर वियर, ठीक है, तो इन दोनों समस्या से काफी बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इन दोनों समस्याओं के ऊपर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें बिल्ट अप एज और क्रेटर वियर को क्लियर करेंगे कि इसमें क्या क्या इफेक्ट होता है और इसमें पैरामीटर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इसमें कह रहा है बिल्ट अप एज क्या है, तो बिल्ट अप एज दोस्तों क्या होता है, बिल्ट अप एज होता है जब हम किसी भी मटेरियल की टर्निंग करते हैं उस कंडीशन में हमारे टूल के कटिंग एज के ऊपर उस मटेरियल का इम्बाइंडेड होना यानी वेल्ड होना या बोल सकते हैं चिपक जाना, उसे हम बोलते हैं बिल्ट अप एज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आप देख रहे हो जॉब मटेरियल इम्बाइंडेड ऑन टूल एज, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, मैं इसको एक फिगर के माध्यम से क्लियर करूंगा आपका। तो चलिए चलते हैं फिगर की ओर, फिलहाल देखते हैं उस फिगर को उसमें क्या है। तो यहाँ पे मैं यह एक फिगर लेके रखा हूं जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि बिल्ट अप एज क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है यह मटेरियल बीइंग कट, इस प्रकार मटेरियल की कटिंग की जा रही है और यह डायरेक्शन ऑफ टूल मोशन, तो यह टूल मोशन की फीड है, टूल इस दिशा में जो है फीड कर रहा है और यह चिप्स है। अब चिप्स के आगे और टूल के बीच में यानी चिप्स एंड टूल के बीच में जो एक आप देख रहे हो बिल्ट अप एज, इसे बिल्ट अप एज कहते हैं। यह क्या है दोस्तों, जब हम मटेरियल की टर्निंग या मटेरियल की कटिंग करते हैं उस कंडीशन में कटिंग टूल की, उस कंडीशन में कटिंग टूल के टिप के ऊपर मटेरियल
बेंड हो जाता है, बेल्ट हो जाता है या चिपक जाता है, उसे हम कहते हैं बिल्ट अप एज। जैसे कि क्लियरली आप देख पा रहे हो यहाँ चिप्स है या कटिंग टिप है और इसके बीच में बिल्ट अप एज यानी यह चिपक गया है, इसे बिल्ट अप एज कहते हैं। तो आशा करता हूँ यह क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए विदा लेता हूँ। बाय बाय।